या एक मिनट रह गया भाई गुड मॉर्निंग से, नहीं तो गुड आफ्टरनून हो जाता। पढ़िया गया, पढ़िया गुड मॉर्निंग पढ़िया गया। अच्छा जी, 27 डिग्री है आज, मेरा ख्याल है आखिरी दिन है। ये जो एक छोटी सी गर्मी की लहर आई हुई थी, संडे का दिन है। इट्स रियली रियली गॉर्जियस, अनबिलीवेबल ब्यूटीफुल डे, अनबिलीवेबल ब्यूटीफुल डे। 4K पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और कल वीडियो मैंने इसके साथ कनेक्ट करूँगा, ये उस वीडियो के साथ, क्या खूबसूरत कलर आ रहे हैं। कल वाली वीडियो के साथ इसको कनेक्ट करूँगा, क्योंकि कल किचन कैबिनेट्स और थाली के ऊपर मैथिसन स्वीट्स, मैथिसन और कैनेडी के ऊपर है, दे हैव अ डिसेंट फूड। और वाओ, इट्स गुड पिक्चर, गुड पिक्चर, गुड पिक्चर, गुड वीडियो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है। अच्छा, तो वो फिर बीच में वीडियो जो थी ना, ओवरहीट हो गई थी, या बैटरी का इशू हो गया था, या क्या हो गया था, मैं उसको ख़त्म नहीं कर पाया था। आई मीन आई कुडंट कंटिन्यू इट, और आई हैड टू शट इट ऑफ। बाद में पता लगा कि वो बैटरी, आई डोंट नो व्हाट टू से। तो आज मैं निकला हूँ, आज थोड़ा सा बाथरूम का थोड़ा सा काम है, तो स्टैंडिंग शावर वगैरह मैंने लिया था, लेकिन आज सुबह के वक्त चैंगयू करके एक चाइनीज आए थे, उनको दिखाया, उन्होंने कहा इसमें ये प्रॉब्लम है। देखे ना, ये थोड़ा सा जब अभी मैंने देखा होगा, मौसूफ जो थे ड्राइवे को सील कर रहे थे, थोड़ा सा अगर आप लोग रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे तो यू विल सी इट, कि ये अब आखिरी सितंबर का महीना है। मैंने भी अपना ड्राइवे ऑलमोस्ट रिपेयर करके आधे ज़्यादा सील कर लिया था, अभी एक वॉकवे के इस तरफ का सील करना रह गया है। तो ये सील करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका अगला जो विंटर है उसमें जब हैवी ड्यूटी बर्फ़ पड़ेगी तो आपका ड्राइवे जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे वैसे पता नहीं है। तो लोग मोस्टली इसका फ़ायदा उठाते हैं। फॉल के पत्ते आपको गिरते हुए नज़र आ रहे होंगे। अब मैं जा रहा हूँ लोज से जाके, मुझे जो है ना वो मैंने ख़रीदा था 479 का, इतफाक से डील पे आया हुआ था, स्टैंडिंग शावर, पूरा स्टैंडिंग शावर बेस के साथ, उसकी जो वॉल्स हैं, शीशे का दरवाज़ा है, एवरीथिंग इन वन बॉक्स, 479 प्लस टैक्स। और जब मैं गया तो उसने कहा ये सेल तो ओवर हो चुकी है। मैंने इतफाक से सियाणपंती में मैंने उसकी पिक्चर ले ली थी टैग की, जो लगा हुआ था टैग। उसने खैर मैनेजर को बुलाया, शायद मैं पिछली वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ, आई डोंट नो। तो बट यहाँ का ये असूल है, अगर आपने जो लगा हुआ है, जो एडवर्टाइज्ड है, यू हैव टू गिव इट टू मी ऑन दैट प्राइस। तो उन्होंने बगैर आर्गू किए मुझे 479 प्लस टैक्स में कर दिया। लेकिन गुड फॉर लोज कि मेरा जो बेस है वो 36 इंच का है, और मुझे चाहिए और मैंने बाय कर ली है 38 इंच की किट। आई हैव नो चॉइस बट टू रिटर्न इट। ये जो नेबरहुड है, ये सारा वही मिसागा का नेबरहुड है, हमारे घर से आगे 50 किलोमीटर कह रहा हूँ, 500 मीटर या 1 किलोमीटर के आगे पीछे का इलाका है। ये सारे जो है ये डिटैच्ड मकान है, और सारे ये मिलियन से ऊपर के हैं। आज के आपको जो राइट साइड पे मकान गुजरा था मैं दिखा पाता, उन्होंने पूरा रीफेस कर दिया है मकान। तो ये सारे मिलियन से ऊपर के मकान हैं, इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और लोगों को बता भी चुका हूँ। रियल एस्टेट की एक्टिविटी काफ़ी हद तक रुक गई है। अब मुझे मैकलागन ये है, इसको कराइए, वही सेरेमोनियल है, इसकी एक वीडियो बनी थी उस दिन ब्रैम्पटन जब मैं जा रहा था। जी व्यूअर, मुझे मैसेज एक आया था, गाड़ी रोकनी पड़ी साइड पे। इस नेबरहुड के बारे में जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, काफ़ी हद तक रियल एस्टेट की एक्टिविटीज ज़ाहिरन जो नज़र आ रहा है स्लो हो गई है। अभी थोड़ा चलेगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बिल्कुल ही डेड हो जाएगी। अब फॉल के नज़ारे देखें, यहाँ
खूबसूरत। अच्छा मैं एक आध कमेंट जो है ना इस दौरान में हाँ जी मैं मेरी बारी भाई मैंने जान दिया हूँ। हाँ विंटर टर्न पे मैंने लेफ्ट ले लिया और अब मैं ये सीधा मेविस पे जाके राइट बनाऊंगा और साथ ही लेफ्ट साइड पे लोज का बड़ा हार्डवेयर स्टोर है। कल इसके किसी वीडियो में इसका जिक्र था क्या नाम अमार अली साहब ने, बल्कि मैंने जिक्र भी किया था कि कम्युनिटी हाउस टाउन हाउसेज कैसे होते हैं। तो भाई ये कम्युनिटी टाउन हाउसेज मैंने शायद शुरू किया होगा मैं पढ़ना और उसके बाद मैं बहक गया था या कहीं और निकल लिया होऊंगा। तो टाउन हाउसेज सही होते हैं बस, देयर इज नथिंग नो इशू एट ऑल। नो इशू एट ऑल मींस जो पुराने हैं जो 60s या 70s के बने हुए हैं, एक ही बात है वो काफ़ी पुराने हो चुके होंगे अगर किसी ने उसको अंदर से अपग्रेड नहीं किया है। नॉर्मली ये टाउन हाउसेज अच्छे होते हैं। अब बात आ जाती है कि अगर आप ओन कर रहे हैं या रेंट कर रहे हैं, अगर रेंट कर रहे हैं तो दो कमरे का टाउन हाउस कम ही होता है, मिल जाते हैं सेल्डम, ये तीन कमरों के होते हैं मोस्टली अगर रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। अगर बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो एक आध वीडियो में पहले जिक्र कर चुका हूँ, नए सब्सक्राइबर्स के लिए बता देता हूँ टाउन हाउसेज के लिए कि दो तरह के टाउन हाउसेज होते हैं, एक फ्री होल्ड होता है एक होता है लीज होल्ड कह लें या विद मेंटेनेंस कह लें, मेंटेनेंस के साथ कह लें, मैंने लीज होल्ड का गलत इस्तेमाल किया है, तो मेंटेनेंस के साथ होता है जिसके ऊपर आपको मेंटेनेंस पे करनी पड़ती है कंडोमिनियम स्टाइल, तो वो तकरीबन लाख कम होते हैं। अगर फ्री होल्ड है तो लाख डेढ़ लाख, वो महंगे होते हैं ज़्यादा होते हैं। आजकल बड़े 2500 स्क्वायर फीट के भी टाउन हाउसेज हैं मिल्टन में खसूसी तौर पे बन रहे हैं या बने हैं, लेकिन और अगर आप 2500 स्क्वायर फीट का टाउन हाउस ही ले रहे हैं तो क्यों ना आप डिटैच ले लें जिसकी कुछ वैल्यू है। ये लॉस करके है अब मैं जा रहा हूँ यहाँ के। यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपके पास रसीद है तो आपका सामान जो है वापस हो जाता है। इवन आप घर लेके जाएंगे, चीज़ सही नहीं थी, कोई मसला हो गया था, एज इज आप बॉक्स को लपेटें और लेके, अनलेस आपने उसको यूज़ किया हो या अब्यूज़ किया हो वो एक अलग बात है, लेकिन आप आराम से वापस कर सकते हैं। मैंने तो इसकी डिलीवरी भी नहीं ली थी, आई एम ग्लैड कि आई डिडंट पिक इट अप दैट टाइम, क्योंकि वो बहुत महंगा आई मीन हैवी था, प्लस $70 का डिलीवरी का हिसाब किताब था। वाजी वाह बंदे ने गाड़ी निकाल ली और मैं गाड़ी इसको लगा लूँगा। यहाँ पार्किंग लॉट में ये होता है कि आप फ्रंट मुंह पे लगा के रखेंगे गाड़ी की पार्किंग तो आपके लिए आसानी होती है, आप हिट नहीं करेंगे किसी को। तो चले मैं ज़रा लोज लोज खेल लूँ फिर आके आगे कहानी को आगे बढ़ा। जी व्यूअर्स आज का पूरा दिन जो है लगता है स्टैंडिंग शावर की नज़र हो जाएगा। मैं लोज में गया था, एक मैंने 479 का बाय किया था, बकौल उनके सेल पे है, बकौल उनके क्या हिट द जैक पॉट चूँकि उसके ऊपर था डील के ऊपर, आई मीन डील से मुराद ये है कि सेल का टैग लगा हुआ था दे ओनर। फिर जाके जब मैंने चेक किया वो 38 इंच का, मेरा बेस 36 इंच का, बट इट मेक इट शॉर्ट आई हैड टू रिटर्न, आई रिटर्न इट। मैंने कहा ज़रा होम डिपो को ट्राई कर लेते हैं, होम डिपो को ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्या हलचल चल रहा है, मेक इट फर्दर शॉर्ट। यहाँ देखा तो वही यूनिट यहाँ पर रेगुलर प्राइस के ऊपर 469 में लगा हुआ है। मेरा मकसद जो ये वीडियोस बनाना होता है इसको बताने का ये होता है कि वो $200 का कम करके सेल पे एहसान किया और जबकि वो सेल ख़त्म हो गई है वो अब 679 का हो चुका है और मैंने उसको वापस कर दिया। बाद में थोड़ा सा पछताया कि हो सकता है मेरी मेजरमेंट गलत हो, ये वो दिस एंड दैट। अब होम डिपो पे आया हूँ, जो साइज मेरे घर में लगा हुआ 36 इंच का सेम यूनिट यहाँ पड़ा हुआ है, सेम यूनिट यहाँ पर पड़ा हुआ है और 36x36 इंच विच आई एम लुकिंग फॉर यहाँ पर 469 का पड़ा हुआ है। खैर
एंजला से मैंने पूछा कि भाई कोई प्लम्बिंग में है बंदा जो काम कर रहा है, कहते एंड्रयू काम करते हैं. व्हेन आई टॉक टू एंड्रयू एंड आई गो ओप्स वी डोंट हैव इट इन द स्टॉक. मैंने कहा भाई कहाँ मिलेगा. अच्छा होम डिपो की जो है ना ब्रांचेस चारों तरफ है. होम डिपो ओकविल, होम डिपो ब्रैम्पटन, होम डिपो अनदर मिसिसागा. मिसिसागा में इनकी गालिबन तीन लोकेशन है. और ये अभी मैंने आपको दिखाया जहां से घुमा के लाया हूँ. इट्स अ बिग बॉक्स स्टोर्स अमेरिकन फ्रेंचाइज है बेस्ड इन अटलांटा जॉर्जिया. एनी हाउ तो उन्होंने मुझे फिर अपना जो उनके पास छोटा सा गैजेट था इलेक्ट्रॉनिक का, उन्होंने कहा देखो एक यूनिट ब्रैम्पटन में पड़ा हुआ है, एक यूनिट मिसिसागा में पड़ा हुआ है, दूसरी लोकेशन में हार्टलैंड पे जहां मैं जा रहा हूँ. ये सुबह से मेरा 10 बजे से प्रोसेस चल रहा है और एक यूनिट इनका ओकविल में पड़ा हुआ है ट्रिफाल्गर पे. खैर उन्होंने कहा इस सबकी पिक्चर उतार लो. खैर उनकी जो स्क्रीन थी उसके मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए, उनकी पिक्चर ले ली, उनकी स्क्रीन जो स्क्रीन उनकी स्क्रीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन थी. तो अब मैं मिसिसागा की तरफ जा रहा हूँ और चेंग ने मुझे $400 कहा था कि मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा. तो बताने का मेरा मकसद इन सामान वीडियोस का ये होता है कि आपको एक जानकारी रहे. ये मेरे तजर्बे हैं जिनसे मैं गुजर रहा हूँ. वैसे अगर आप किसी को बुलाते हैं कि भाई मुझे वॉशरूम चेंज कराना है, कंप्लीट वॉशरूम रेनोवेट करना है, तो किसी जमाने में ये काम जो था, मैं इसमें बात कर रहा हूँ कि आपका बाथ टब भी है, वैनिटी भी है, आपकी क्या नाम है टब भी है, टब का के ऊपर अगर आप डोर लगा रहे हैं तो $5,000 से $7,000 का होता था. अब ये नुस्खा जो है $10,000 का हो गया है ऑलमोस्ट जब से ये वेजेस बढ़ी हैं. पहले ये सारे जो थे पूरा दिन में जो एक हैंडीमैन आपके पास काम करता है तो वो लेता था $200, $225, तकरीबन $30 पर आवर का रेट होता था. अब ये लोग लेते हैं पूरे दिन का मिनिमम $300 एंड $350 पर डे. तो कोई भी आदमी अगर आता है और कहता है कि भाई मुझे ना यहाँ पर हैंडीमैन का काम करना है, तो आई मीन इफ ही नोज हैंडीमैन वो होता है जो कोई लाइसेंस नहीं होता. आप इलेक्ट्रिक को हाथ नहीं लगाएंगे, आप गैस को हाथ नहीं लगाएंगे. प्लम्बिंग के लिए एज सच एज पर माय नॉलेज देयर इज नो लाइसेंसिंग, दैट्स व्हाट आई बिलीव. ड्राईवॉल है, फ्रेमिंग है, कमरा है उसकी आपको फ्रेमिंग करनी है, ये भी बड़ा काम होता है. ड्राईवॉल लगाना है, वॉल को फिनिश करना है, उसके बाद पेंट करना होता है. तो इसके ऊपर आपको मेरा ख्याल है कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है. अगर आप ये सारे काम वहाँ से सीख के आते हैं एज ए न्यू इमिग्रेंट, तो आपको आई एम प्रीटी श्योर चे जाए कि आप मैकडॉनल्ड में काम करें, चे जाए कि आप अल्लाह आपका भला करे किसी फैक्ट्री में काम करें $14-15. यहाँ क्या हो रहा है भाई, ये किस चीज़ का एहतजाज हो रहा है, किस चीज़ का एहतजाज हो रहा था, ओह माय गॉड आई मिस्ड इट. तो आप अगर हैंडीमैन का काम करके आते हैं, आपको ड्राइव, आपको फ्रेमिंग आती है. फ्रेमिंग जो होती है यहाँ पर 2x4 से होती है लकड़ी की. चलें वो तो आप आगे यहाँ पर सीख लेंगे अगर वहाँ नहीं होती है. वहाँ भी मेरा ख्याल है जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनकी जो अंदर के जो पार्टीशनिंग होती है आई एम प्रीटी श्योर किसी ना किसी चीज़ की, क्योंकि उसमें कंक्रीट का काम या ब्रिक ईंटों की कंस्ट्रक्शन तो नहीं होगी वहाँ पर, तो फ्रेमिंग तो आपको वहाँ भी आती होगी. अगर आप फ्रेमिंग सीख के आ जाते हैं, अगर आपको प्लम्बिंग आती है, टॉयलेट बोल कैसे लगाना है, आई मीन जो फ्लश होता है टॉयलेट बोल हो गया, वैनिटी हो गई आपकी कैसे लगाना है, प्लम्बिंग का आपको अच्छा काम अगर आता है, यू कैन मेक गुड मनी. $300 a day इज वे मच बेटर देन ड्राइविंग ए कैब या उबर या स्किप द डिशेस. 8 घंटे आपने काम करना है. जिस तरह हमारे एक हैं सीरियन है गालबन ममदू भाई, ब्रदर आई टेक $350 डिपेंडिंग 6 to 7 hours एंड तो आई मीन यू कैन मेक गुड मनी ऑन इट. तो जहां तक रह गया इसका जो मैं बात कर रहा था कि प्राइसेस का, तो यहाँ दो मेजर हैं, लोज है और होम डिपो है. देखें आपने प्राइसेस का कितना बड़ा फर्क देखा, $200 इज राइट देयर. नहीं तो मैं सोच ये रहा था कि मैं दरवाजा. एक और बात भी, अगर आप जिस तरह ये $500 का आपका एक यूनिट है या $600 का एक यूनिट है,
मैंने उस बंदी से कहा कि मेरा बेस तो सही है, बेस इज नॉट एन इश्यू, मुझे सिर्फ पैनल्स चाहिए जो पीछे प्लास्टिक के पैनल्स होते हैं और दरवाजा चाहिए। तो कहती है नो देन इट्स गोइंग टू बी अ कस्टम ऑर्डर एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड $1,100। हम कंपनी को डायरेक्ट करेंगे और वैसे अगर आप किट लेने जाते हैं तो आपको $500 की, मैं एवरेज प्राइसेस बता रहा हूँ, तो इस तरह करके मिल जाती है। और दूसरी बात, मैंने हैंडीमैन का आपको बता दिया कि इट्स अ गुड। एक वीडियो मैं बनाना चाहता था इसके ऊपर, जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं, बिकॉज वंस दे गेट द PR या उनकी अप्रूवल हो जाती है तो दे गेट वेरी एक्साइटेड और कि भाई हमारा तो काम हो गया और PR आने वाला है और आ गया है या हमें जाना है, तो वो बहुत ज्यादा उनका जो फोकस होता है वो अपने सामान के ऊपर आता है कि हम क्या लेके जाएं और क्या नहीं लेके जाएं, और वो ज्यादातर इस पे टाइम जाया करते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट चीज है, मैं उसको चैलेंज नहीं करूंगा। दे शुड बी मोर फोकस्ड ऑन देयर कैरियर कि व्हाट आर देयर प्लान्स गोइंग टू बी, कैसे वो जॉब हासिल करेंगे। यहां आके फिर सोचना, मेरे पास 4-6 मिसालें ऐसी हैं जिन्होंने वहीं से होमवर्क किया। अगर वो ट्रक लाइन में आना चाहते हैं तो या तो वो पहले से ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने अच्छी तैयारी कर ली थी यहाँ के एग्जाम कैसे देंगे, या वो कुछ और थे जिस तरह मेरे जानने वाले हैं, वो बैंकिंग लाइन में, तो उन्होंने कहा नहीं जी अपा जाकर ट्रक ही चलाना है, वो ट्रक का था, वो सोच के आए थे, दिमाग बनाया हुआ था और वो ट्रक के उस पर चले गए। सेकेंड IT के हैं, जिस तरह अब IT के हर कोई समझता है कि जी मैं तो IT का हूं तो मैं तो तीर मार दूंगा। आप ये होमवर्क करें कि यहाँ पर IT में किस फील्ड के अंदर डिमांड है, उसकी प्रॉपर तरीके से प्रेपरेशन करें। या एक साहब को, बल्कि दोस्त ही है मेरा, अब तो बहुत, ही वॉज माई नॉट सब्सक्राइबर बट ही हैव सीन माई वीडियोज इन दिल्ली, अब मेरा ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ही वॉज फोकस्ड। वहां से जब वो चला था तो ये सोच के आया था कि मुझे यहाँ पर इमिग्रेशन का कोर्स करना है। जनवरी में बंदा आता है, मार्च में वो कोर्स ज्वाइन करता है, नाउ ही इज सो फोकस्ड के सेल्फ पिप के वो 3 अटेम्प्ट कर चुका है, स्पीकिंग के ऊपर आके फंस जाता है क्योंकि 9-9-9 चाहिए होते हैं। फिर उसने आइल्स भी दिया, ही हैड स्पेंड ऑलमोस्ट $1,500 अलोन जस्ट टू कैच द डेट के EPE का जो एग्जाम है RCIC के लिए वो नवंबर में है। सो फोकस्ड। तो आप पहले से सोच के आए कि मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इमिग्रेंट्स, आजकल तो खैर कोविड की वजह से सारे ही बर्बाद हुए हुए हैं, अल्लाह सबके मामले आसान करे, काफी तंग आए हुए लोग जो नए इमिग्रेंट्स आए थे, क्योंकि जॉब ओपनिंग्स है नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस बन नहीं रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आगे बन तो रहे हैं लेकिन उसकी डेटें बहुत दूर दूर की मिल रही हैं, तो दे कैन नॉट डू द जॉब हंटिंग, क्योंकि बसों के ऊपर तो आप जॉब हंटिंग नहीं कर सकते। फॉर दैट यू हैव टू, इन तमाम बातों का लुब लुबाब यह है कि व्हेन यू कम फोकस्ड, पहले से आपका होमवर्क होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, नाम ना ले, जी व्यूअर अब ये हॉटलैंड के ऑफिस आ गए हो इनके, हॉटलैंड के इनका जो होम डिपो है, हाँ बात कर रहा था मैं उसके बीच में, दिमाग से निकल गया। तो भाई अपना होमवर्क करके आए, इतनी तो यहाँ आके सिर्फ टाइम ज़ाया होता है और उसका क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मिला हुआ हूँ, मिलता हूँ, मेरा काम ही यही है रोड के ऊपर, 1.5 साल हो गया कोई जॉब नहीं की, फ्रस्ट्रेशन। मकान लेना चाहते हैं, जॉब नहीं है, पैसा है, क्रेडिट नहीं बन पाया है, साल 1.5 साल हो गया है। तो फोकस हो, जो जब भी आए, जब भी ये देखे, ये दूसरा होम डिपो है, ये हार्टलैंड एरिया का होम डिपो कहलाता है, मैं यहां पर आ गया हूं। और मैं हट रहा हूँ। तो चले वियर, मैं यहां से अपना यूनिट, अगर इसने अभी मिल गया मुझे तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। $400 जो है इसको लगवाई जो है वो लेगा $400
चेंग जो है, तो तकरीबन ये स्टैंडिंग शावर जो है नया मेरे को $1100 में हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो। जी व्यूअर्स, जी व्यूअर्स, मैं ये होम डिपो से निकल रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है। ज़रा सा मौसम अच्छा होता है, हालांकि यहाँ कोविड का की सेकेंड वेव आई हुई है। आप लोगों को थोड़ी सी लाइट की ग्लेयर पड़ रही होगी और टर्न लेने के बाद जो है आई विल लुक इनटू माय कमेंट्स। बीबी हमारी बारी कब आएगी? और नाम हमारे ही भाई विकास कुमार साहब ने कहा है, कैमरा बिल्कुल जबरदस्त है, लाइक यू सेड ब्रिलियंट कलर्स एंड क्लैरिटी। You have put a lot of time and effort, especially with your narration. Enjoyed the tour very much. Best wishes. Thank you, ji. You liked it. Appreciate that. Meri koshish ye hoti hai ki maximum comments jo hai de di jaye. Maximum kya naam hai? Jo bhi jankari main pass on kar sakta hoon. I try to do my level best. Saad Ibrahim ne kaha hai. Then what are you doing there? You didn't tell the benefits in Canada, such as medical facilities, unemployment funding by government, monthly pay to child who is below 16, education is free, full till matric, and also government support you if you are going to start a business. If you want to own a car, they will avail you without high interest. I don't know what does that mean. Though the Canadian life is difficult, but not impossible. Stop making people demotivate. प्लीज साद इब्राहिम साहब, आपने बहुत अच्छी कमेंट दी, बहुत सारी अच्छाइयाँ गिनवाई। तो मैंने भाई इसमें कभी भी मेरी किस वीडियो के बारे में लाइफ इन कनाडा कोई बनी होगी आज से आई डोंट नो साल पहले या जब भी मैंने बनाई थी, तो आपने सारी बातें खुद कर दी हैं। मैं डीमोटिवेट नहीं करता, मैं कनाडा को अभी भी कहता हूँ इट्स अ हेवन ऑन अर्थ। The kind of support government gives, unemployment उनका है जिन्होंने काम किया होता है, EI उनको मिलता है employment insurance की तरफ जो भी है। SERB के जमाने में government of Canada ने बहुत help की, no doubt about it। Businesses के दरवाजे खुले रहे उसके लिए government of Canada ने बहुत help की। Free education I agree with you, free medical I agree with you। मुझे याद नहीं पड़ता, मैंने उस वीडियो को देखा नहीं है कि उसमें मैंने क्या बुराई की है। तो मैं डीमोटिवेट तो किसी को भी नहीं करता हूं, मैं तो सबको कहता हूं भाई आ जाओ, अल्लाह की जमीन है। मैं तो इस पे बिलीव करता हूं कि लाइफ विदाउट बॉर्डर्स, बॉर्डर्स होने ही नहीं चाहिए। ये तो इंसानों ने बॉर्डर और दीवारें और लाइन ऑफ कंट्रोल खड़ी की है। रह गई बात कनाडा की बुराइयों की, तो मैं सिर्फ ही कहता हूँ सिवाय वेदर के यहाँ कोई बुराई नहीं है। महंगाई
ठीक ठाक है, आई एग्री। आपको 3,000 से 4,000 डॉलर महीने का आपका खर्चा है, नो डब नो मैटर व्हाट। अगर आप फैमिली के साथ हैं, दो बच्चों के साथ, अगर आप अकेले रह रहे हैं, बिल्कुल आप पैसे बचा सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए मैं मिट्टी नहीं डाल रहा हूँ बॉस। पता नहीं आप किस रेफरेंस से आपने मेरी उस वीडियो को, मैंने प्रो एंड कॉन्स वाली शायद वीडियो बनाई होगी या लाइफ इन कनाडा के बारे में। तो टफ है, यहाँ की लाइफ टफ है, इसमें कोई शक नहीं है। इन तमाम सहूलियत के साथ आपकी सेविंग्स जो है फैमिली के साथ यहाँ बहुत कम हो पाती हैं, बिकॉज ऑफ महंगाई। महंगाई अच्छी खासी है, अनटिल एंड अनलेस हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वर्क्स। अब रह गई बात आपके मकान लेने की, तो मकान आपको पता है यहाँ बहुत ज्यादा महंगे होते हैं अगर आप शहरों में रहते हैं तो। वरना अगर आप किराए की जिंदगी गुजारते हैं तो किराया आपको इतनी आसानी से आप अफोर्ड नहीं कर पाते। बेसमेंट में रहते हैं तो एक कमरे की बेसमेंट जो है इस वक्त मेजर सिटीज के अंदर 1400 से 1600 1800 डिपेंडिंग वेयर यू आर। अगर गेटोज में रहना है या ऐसी जगह पे टाइट किस्म की बेसमेंट में, क्योंकि फैमिली लाइफ उस तरह की माहौल में नहीं गुजारी जा पाती। और अगर आप एक रिस्पेक्टेबल तरीके से रहना चाहते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है, इवन मिनिमम वेज पे ही काम करें। लेकिन उसके फिर साइड की बातें बहुत सारी हैं कि किस तरह अगर वाइफ भी आपकी काम कर रही है और आपके छोटे बच्चे हैं तो उसका बच्चों की लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो इट्स लंबी लंबी डिबेट। तो मैं डीमोटिवेट मैं आपकी बात को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, और मुझे याद भी नहीं पड़ रहा है, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि मैंने किस रेफरेंस से वो वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें कितनी कनाडा की बुराइयां बताई हैं। लेकिन मैं इनकरेज जरूर हर एक को करता हूँ कि आओ एटलीस्ट यहाँ। जो दो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जिसकी बड़ी वैल्यू है, वो यहाँ की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है। क्राइम रेट व्हेन इट कंपेयर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आई वुड से जीरो। गो अब कहानियां बढ़ती जा रही हैं, नई नई पनीरियां जवान हो रही हैं, तो थोड़े बहुत एक्शंस भी दिखा रही हैं वो पनीरियां। उनके भी सर्टन एरियाज हैं, तो अगर आप एरिया से बचते हैं या थोड़ी सी आप एहतियात बरतते हैं तो आपका वो हो जाता। तो मैं कभी भी दोबारा इसको रिपीट करके कहता, मैं डीमोटिवेट नहीं करता भाई किसी को भी। हाउ मच स्काई साहब ने कहा, A1N Sky है, हाउ मच यू पे डिड यू डू यू पे फॉर लेबर। देखें लेबर दो तरह की होती है, एक तो सिंपल लेबर है जो फैक्ट्री में काम करती है, वो $15 पर आवर लेती है, या कोई रेस्टोरेंट में काम करती है, मिनिमम वेज जो कहलाती है, वो टैक्स कटने के बाद 12-12.5 तकरीबन, अगर आप 12-48, 4-80 तकरीबन $1,000 का आपका 2 वीक पे चेक बनता है, 2,000 से 2,500 के दरमियान आपका चेक बन जाता है। अब एक आती है लेबर जो थोड़ी सी स्किल्ड लेबर है। स्किल्ड लेबर से मुराद ये है कि आप प्लम्बर हैं या आपने कोई ऐसा काम है जो टेक्निकल काम आपके हाथ में है, तो उसका रेट जो है वो फिर $20 से $30 के दरमियान है। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, लाइसेंस्ड इलेक्ट्रीशियन, तो आप एक घंटे में $300 से $350 भी कमा लेते हैं। अभी मैं